तो गाइस ये है दिल्ली से देहरादून वाला फ्लाईओवर। अभी मैं खड़ा हूँ रोड पे नीचे, अभी मैं आपको लेके चलूंगा यहाँ ऊपर और ऊपर का रोड दिखाएंगे कहाँ तक हो चुका है। बीच में जॉइंट रह रहे हैं तो नीचे का रोड आप देख सकते हो, ये है सर्विस रोड, इसे भी चौड़ा करा जा रहा है। यहाँ से नालियाँ बन चुकी हैं नीचे वाली और यहाँ पर रोड की भी कटिंग चल रही है, इधर नाली बननी बाकी है। तो चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं। गाइस कैसे हैं आप सब, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस मैं आज गया था दिल्ली से देहरादून वाले फ्लाईओवर पे, और जो कि खजूरी और शास्त्री पार्क के बीच में जॉइंट हो रहा है, तो मैंने ऊपर की कुछ वीडियो बनाई है। तो गाइस ये है दिल्ली से देहरादून वाला फ्लाईओवर, अभी मैं खड़ा हूँ रोड पे नीचे, अभी मैं आपको लेके चलूंगा यहाँ ऊपर और ऊपर का रोड दिखाएंगे कहाँ तक हो चुका है। बीच में जॉइंट रह रहे हैं तो नीचे का रोड आप देख सकते हो, ये है सर्विस रोड, इसे भी चौड़ा करा जा रहा है। यहाँ से नालियाँ बन चुकी हैं नीचे वाली और यहाँ पर रोड की भी कटिंग चल रही है, इधर नाली बननी बाकी है। तो चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं। गाइस ये मैं जा रहा हूँ दिल्ली से देहरादून वाले फ्लाईओवर पे चढ़ने के लिए। अभी मैं चढ़ रहा हूँ यहाँ खजूरी से और ये ऊपर की तरफ चल रहे हैं, आप देख सकते हो ऊपर का ये है हिस्सा और ये नीचे का। गाइस ये मैं जा रहा हूँ ऊपर और मैं आज आपको ऊपर का दिखाऊंगा, ऊपर क्या चल रहा है। ये दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे है और मैं जा रहा हूँ, ये देखो गाड़ी चला रहा हूँ मैं, तो मैं आपको आज ऊपर का दिखाता हूँ पूरा हिस्सा। ये अभी यहाँ पे चल रहा है काम, ये आप देख सकते हो, ये देखो पूरा मैं ऊपर खड़ा हूँ। अभी यहाँ कोई गाड़ियाँ नहीं चल रही है, सिर्फ मैं आया हूँ, ये देख सकते हो आप। और मैं ज़्यादा आगे तक नहीं जाऊँगा क्योंकि अभी पुल बन रहा है, बाकी मैं आपको यहाँ से पूरा दिखाता हूँ जो भी चीज़ें हैं, ऊपर लोग रह रहे हैं जो काम कर रहे हैं। और आइए चलते हैं उस तरफ और नीचे का देखते हैं। तो गाइज मैं अभी ऊपर हूँ और ये रोड देख सकते हो आप, अभी ये रोड बन रही है ऊपर के लिए, ये जॉइंट है, ये जॉइंट अलग ही दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ी सी दरार पड़ी हुई है, हो सकता है रोड को पूरा पक्का कर दें। ये जॉइंट है यहाँ पे नीचे है हल्का सा, और देख सकते हो इधर ये पूरा ग्राउंड है, इधर खाली पड़ा हुआ है, ये पूरा ग्राउंड आप देख सकते हो खाली पड़ा हुआ है इधर। ये नीचे का हिस्सा है, नीचे वाली रोड है। और यहाँ पे बागेश्वर धाम आए थे अभी कुछ दिन पहले और ये जा चुके हैं, बाकी मैं आपको ये पूरा ऊपर का हिस्सा दिखा रहा हूँ। आपको मैं उस तरफ का भी दिखाता हूँ, जो उस तरफ वाले एरिया हैं कितने नीचे हो चुके हैं। और ये पूरा रोड आप देख सकते हो वो आगे जाके ऊपर हो रहा है उधर की तरफ, वो देखो वो खजूरी चौक का है, वहाँ पर भी लैंटर डल रहा है। और मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ दिल्ली से देहरादून जाने वाले फ्लाईओवर पे और फ्लाईओवर का चल रहा है काम। ये मैं अभी यहाँ से चढ़ा हूँ, ये 4.5 पुश्ते से ऊपर चढ़ रहा है और यहाँ पे आके ये जॉइंट हो जाएगा। ये देखो नीचे का पूरा नीचे का रोड है वो, और इधर का जो हिस्सा है ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये हिस्सा आपका अमन शोरूम है, ये 3.5 पुश्ते पे आके जॉइंट निकला हुआ है, ये देख सकते हो नीचे का हिस्सा है, कितने नीचे हो चुके हैं घर और ये हाईवे कितना ऊपर है। आगे बहुत जल्द होने वाला है क्योंकि सारे मुद्दे ख़त्म हो चुके हैं चुनाव के, और अब 2024 में चुनाव होना है, तो एक मेरे हिसाब से यही मुद्दा रह गया। ऐसा कहा जा रहा है कि अप्रैल में चालू हो जाएगा, बट अभी देखते हैं, कोई अगर हमें मिलता है तो हम आपकी बात कराते हैं, क्योंकि दूर दूर तक तो कोई दिख नहीं रहा, हमें जाना पड़ेगा आगे तक उधर पीछे की तरफ, वहाँ जाना पड़ेगा हमारे को। तो चलो किसी को ढूंढते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है, हो सकता है तो आपको आगे तक भी दिखा के आता हूँ वहाँ लास्ट तक क्या चल रहा है, कैसा है, कहाँ तक ये बन चुका है। अभी ये हम खड़े हैं 3.5 पुश्ते के ऊपर, मैंने आपको अमन का शोरूम दिखाया है, साइड में नीचे अमन का शोरूम है और ये भाई यहाँ पर रहते हैं, ये देखो यहाँ पर रहने का भी बंदोबस्त करा गया है लोगों का। ये भैया जी पानी निकाल ले, पानी कहाँ से आओ भैया जी है? आप कहाँ से आए हो, यहाँ पे काम करते हो? पैनल लगा रहे हैं। किस चीज का पैनल? पैनल पैनल, अच्छा ये साइड वाले पैनल, ये जो ये साइड में जो लगे हुए हैं सारे। ओ तो आप यहीं रहते हो इसमें ही? तो भैया जी यहाँ पे रहते हैं और यहीं काम करते हैं, पैनल का काम है भैया जी का।
आप आए कहाँ से हो, मतलब घर कहाँ है आपका? बुलंदशहर। भैया जी बुलंदशहर से यहाँ काम करने के लिए आए हुए हैं। और ये पानी पानी कहाँ से लाए? पानी टैंकर खाली करके। अच्छा टैंकर आता है पानी के लिए। चलिए तो भैया जी इस समय हम खड़े हैं दिल्ली से देहरादून वाले फ्लाईओवर पर। हमें मिले हैं विनोद भैया जी। कैसे हो भैया जी? बढ़िया भैया, काम चल रहा है खूब जोर जोर से। तो भैया आए हुए हैं बुलंदशहर से, यहाँ पे इनका काम है पैनल लगाने का। जो साइड साइड में पैनल लगे हुए हैं और ये बीच में जो पैनल लगेंगे इसके, ये पूरे इनका काम है भैया जी का। तो भैया जी कब तक एंड हो जाएगा कुछ मालूम है? एक महीना लग जाएगा अभी। एक महीना लग जाएगा? एक महीने में पूरी बात पक्की हो जाएगा? पक्का हो जाएगा। चुनावी तैयारी चल रही होगी? बिल्कुल, चुनाव की तैयारी चल रही। तो चुनाव की तैयारी चल रही है, रात दिन काम चल रहा है इस पे। रात दिन काम चल रहा है। सुनने में आया मोदी जी इस पे उद्घाटन करेंगे। कहाँ तक का हो गया, कितने भागों में बटा हुआ है आपको मालूम है कहाँ तक है ये? ये रोड जो है ये अक्षरधाम से जो उठ रहा है, अक्षरधाम से उठ के दिल्ली से देहरादून जा रहा है। दिल्ली से देहरादून वाला फ्लाईओवर है ये। देहरादून वाला। तो ये अभी कहाँ तक बन चुका, कुछ आइडिया है पूरा जिस पे जनता चल रही होगी? ये यहाँ तक बनाया भी है, ये जो है इसका क्या नाम है इसका, ये शास्त्री पार्क वाला। शास्त्री पार्क से आगे बन गया। शास्त्री पार्क से आगे बन चुका है, बाकी अभी काम चल रहा है, ये बीच में पूरा हो जाएगा। जॉइंट होना बाकी रह गया ना खजूरी का और ये शास्त्री पार्क वाला। तो गाइस जॉइंट होना बाकी रह गया है और ये चल रही है चुनावी तैयारियां। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी बात करने के लिए। तो चुनावी तैयारियां चल रही है गाइस, और वैसे रास्ता बहुत छोटा कर दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो 6 घंटे का सफर था वो मात्र 3 घंटे में हो जाएगा पूरा। तो भाई ऐसे वीडियो के अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जिस समय इसका उद्घाटन होगा हो सकता है हम भी कुछ दूर तक जाएं, देहरादून तक तो नहीं बट आपको दिखाएंगे जहां तक भी होगा। अपना अक्षरधाम से चढ़ेंगे और अक्षरधाम से जहां तक अपने को जाना होगा वहां तक जाएंगे और दिखाएंगे। कभी देहरादून जाने का लगा तो देहरादून भी जाएंगे। तो गाइस वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और आपको कैसा लगा, आपने अभी तक ऊपर से देखा या नहीं ये देख सकते हो, पूरा मैंने आपको दिखा दिया। तो गाइस मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ और मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ तक का ये बन चुका है और कहाँ तक नहीं बना हुआ ये। तो चलते हैं, ज़्यादा आगे तक नहीं जाएंगे, जहाँ अपने को दिक्कत लगेगी वापसी आ जाएंगे रिटर्न, बट मैं आपको दिखाना ज़रूरी है तो इसलिए आगे तक मैं जा रहा हूँ। ये देख सकते हो, और ये नीचे के जो घर हैं इन्हें भी देख सकते हो आप। तो गाइस रोड बन रही है अभी, ये देख सकते हो पूरा घूम के सीधा हो चुका है एकदम। भैया क्या हाल है, बढ़िया हो बाबू? ये कुछ लोग रह रहे हैं यहाँ, सोए हुए हैं अच्छे से। ये देख सकते हो आप, पूरा लेके जा रहा हूँ मैं आपको। ये रोड पहले पुश्ते की तरफ को उतर रहा है रास्ता, नीचे को इधर बना नहीं है तो मैं इधर आपके लिए जाऊंगा नहीं, क्योंकि ये रास्ता भी बना हुआ नहीं है पूरा, तो नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। और जो लोग इस एरिया को अच्छे जानते हो तो आप देख सकते हो शास्त्री पार्क वाला वो मेट्रो का जो बिल्डिंग है वो दिख रही है, मेट्रो वाली बिल्डिंग, पूरी मेट्रो की बिल्डिंग देख सकते हो आप। यहाँ काम चल रहा है साइड साइड में, इसे पूरा बंद करा जा रहा है। ये देखो इधर काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो बीच बीच में करा जा रहा है जॉइंट, ये जॉइंट की तैयारी चल रही है। ये आ चुके हम शास्त्री पार्क तक, आगे शास्त्री पार्क है और आगे शास्त्री पार्क का रोड पड़ेगा वहाँ पे, बस वहाँ पे जॉइंट होना बाकी है और लास्ट यहीं तक है, यहाँ पे चल रहा है जॉइंट। ये देखो बीच में जॉइंट करा जा रहा है। तो
तो आगे नहीं जाएंगे हम, और यहीं से आपको दिखाते हैं थोड़ा बहुत। तो गाइज यहीं से आप देखिए नीचे पहले पुस्तक का जो मैंने आपको दिखाया था रास्ता, वो रास्ता यहाँ से उतर के यहाँ तक जा रहा। आगे देखो वर्किंग है, वहाँ खुला हुआ नहीं है, वरना मैं आपको वहाँ भी ले जाता। तो गाइज ये देख सकते हो यहाँ भी अभी जॉइंट होना बाकी है। तो गाइज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना।